आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं वीके प्राइम चर्चा। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर वोट बैंक साधने की कोशिश शुरू कर दी है और जनता को अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में भी बताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमीरपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह जी जुड़ेंगे, जो आगामी चुनावों में कांग्रेस की तैयारियों और अपने विधानसभा क्षेत्र से विकास कार्यों का ब्यौरा देंगे। बता दें कि कुंवर बादशाह सिंह कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महोबा जनपद के खरेला कस्बा निवासी कुंवर बादशाह सिंह बीजेपी से 3 बार मौदा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और इसके बाद बसपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। ये लगातार बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग करते रहे हैं। इसी के चलते इन्होंने बुंदेलखंड इंसाफ सेना का संगठन भी किया है। साथ ही इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई विकास कार्य भी किए हैं, कई काम किए हैं जनता के लिए और लगातार जनता के लिए काम भी कर रहे हैं, कई पार्टियों के साथ काम भी कर चुके हैं और अब ये कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर बादशाह सिंह जी, जो कि कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कुंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आप अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त आप कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस की आपको कौन सी नीति अच्छी लगी जिसकी वजह से आप कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं? शुभकामनाएं दूंगा जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है। मेरे पिताजी सेना में थे और एक किसान थे जी। उनकी हत्या के बाद दुखद परिस्थितियों में मुझे राजनीति में आना पड़ा। तो मैं शुरुआत मैंने अपनी राजनीति की भाजपा से की, फिर मैं बसपा में मंत्री रहा और मैं जहां भी रहा रचनात्मक कार्यों में मैंने रुचि ली। गांव में रहने वाले कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जी। और एक अलग ढंग की राजनीति मैंने की है। मैं अपनी जिंदगी में 15 बार दिल्ली गया हूँ, लखनऊ बहुत ही कम रहता हूँ। कभी हमने पत्थर नहीं लगाए अपने नाम के, तुलादान नहीं करवाया, मैं माला नहीं पहनता जी। मैं घोषणा में विश्वास नहीं करता। मैंने कभी भी धर्म के नाम पर किसी चुनाव में कभी किसी से वोट नहीं मांगा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। और क्षेत्र के बाहर भी जहाँ मैं राजनीति नहीं करता हूँ, वहाँ भी जो कमजोर और गरीब बेबस लाचार लोग हैं जी, उनके लिए जरूरत पर हम लोग और हमारे लोग बराबर खड़े रहते हैं। मैं दिल वाला आदमी हूँ जी। कभी भी मैं किसी दल में रहा, मेरा अपना काम करने का एक अलग तरीका है और ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैं इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हूँ और पूरा बुंदेलखंड मुझे एक सामाजिक और अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर जानता है जी। जिस तरह से आपने कई पार्टियां बदली, आखिर आप किस तरह की राजनीति पर विश्वास करते हैं जो आपको दो पार्टियां छोड़कर तीसरी पार्टी में आने को मतलब कि आपने सही समझा? मैंने आपको बताया नहीं कि मैं दल वाला नहीं, मैं दिल वाला व्यक्ति हूँ जी। और मैं कभी भी मेरे कार्य से किसी को नहीं लगा कि कोई दल बोल रहा है। मैं आमतौर पर किसानों के लिए लड़ता हूँ, मजदूरों के लिए लड़ता हूँ जी, बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं हम लोग। बुंदेलखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोग एक शिद्दत से लड़ रहे हैं जी। 20 के आसपास मैंने व्यायाम शालाएं खुलवाई जिसमें हमारे तमाम युवा लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ पुलिस में चले गए, कुछ आर्मी में चले गए। महोबा में जो मदन सागर बहुत बड़ी झील है जिससे पूरा शहर पानी पीता है जी, उसमें हजारों ट्रक जो गंदगी जल कुंभी थी, श्रमदान से हमारे स्वयं सेवकों ने उसको साफ करके दिया, पूरे शहर के लोगों को मालूम है जी। मौदहा के पास भगत बाबा के पास में 1 किलोमीटर लंबी पूरी नहर हम श्रमदान से ही हम लोगों ने बनाई, जिसमें सरकार का 1 रुपया बजट नहीं लगा और आज लरौंद गांव के लोग उसी नहर से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं जी। कुंवर जी, आप बीजेपी से 3 बार विधानसभा सीट जीते हैं, तो आखिर बीजेपी छोड़ने की क्या वजह रही? बीजेपी में आपको कौन सी कमियां देखने को मिली? ये मेरे सिद्धांत में नहीं है। मैं जिस थाली में खाता हूँ मैं उसमें कभी छेद नहीं करता जी। मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। आज की राजनीति पैसे और चमचागिरी पर आधारित हो गई है जी। एक समय राजनीति सेवा और विकास के लिए,
अब राजनीति व्यापार के लिए हो रही है। 91 में हम विधायक थे, आपको ताज्जुब होगा कि 9-10 बजे रात तक विधानसभा चलती थी जी, और बेरोजगारी और किसान मजदूर भ्रष्टाचार तमाम ज्वलंत मुद्दाओं पर बड़ी गंभीर चर्चाएं होती थी। अब तो सदन ही नहीं चलता जी। और जो उधर हमारा उत्तर प्रदेश का जो पुस्तकालय है विधानसभा का, वहाँ तमाम माननीय विधायक अक्सर किताबें पढ़ते रहते थे, अब उधर कोई झगता ही नहीं, सदन चलता ही नहीं जी। और आम व्यक्ति राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो गया है। मैं राजनीति इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुर्सी की जरूरत है जी। मैं बड़ा स्पष्टवादी और बेबाक आदमी हूँ। हम लोग चक्रवर्ती राजा होते थे, सम्राट होते थे, जागीरदार होते थे जी। मैं महाराज राव राम भक्त सिंह का वंशज हूँ। जब हम लोग चरित्र और पुरुषार्थ और साहस और सेवा के भाव से हट गए तो हम लोगों के राजपाट चले गए, ट्रैक्टर चला रहे, खेती कर रहे जी। तो आप भरोसा मानिए कि मेरी आसक्ति कुर्सी के प्रति कभी नहीं रही। मेरा राजनीतिक जीवन शीशे की तरह साफ है। मैंने कभी निधि में 1 रुपया कमीशन नहीं लिया, ठेके में नहीं लिया, लाइसेंस में नहीं लिया, नौकरियों में पैसा नहीं लिया, आने वाले की जाति और धर्म से ताल्लुक नहीं रखा। मेरे यहाँ जो रोता हुआ आया वो हंसता हुआ गया लौट करके जी। आज भी आप जाइए जिले में, कहीं आपको हमारी होर्डिंग नहीं दिखाई देगी, वॉल राइटिंग कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। तुला दान नहीं कराता मैं, माला नहीं पहनता जी, मैं पत्थर नहीं लगाता, मैं कोई घोषणा नहीं करता इसके बाद भी, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसके बाद भी। मौदहा के मैं महान मतदाताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे एक फौजी के और किसान के बेटे को अपने दिल में बैठाल करके रखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं बातों में यकीन नहीं करता, मैं काम में यकीन करता हूँ। हमारे आने के बाद ही उस क्षेत्र की तस्वीर बदली और विकास हुआ जी। तो जिस तरह से कुंवर जी आपने बीजेपी का दामन छोड़ा, फिर बसपा का दामन छोड़ा, अब आप कांग्रेस के साथ हैं, तो क्या आप कांग्रेस की नीतियों पे चुनाव लड़ रहे हैं या फिर लड़ेंगे या फिर अपने सिद्धांतों को आगे लेके बढ़ेंगे? मैंने आपसे बताया कि मेरे लोग तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, और मैं कभी भी, आज भी भाजपा के नेताओं से मेरे रिश्ते अच्छे हैं जी। आज भी बहन मायावती जी से मेरे रिश्ते ठीक है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जिस थाली में खाऊं उसमें छेद कर दूं जी। तो यानी अपने सिद्धांतों को लेके आगे चल रहे हैं, अपने सिद्धांतों पे जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कहना चाहता हूं जी, आप मेरी बात समझिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए भी और हर आदमी के लिए। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि पहले राजनीति के क्षेत्र में गांव से गली से संघर्ष करता हुआ आदमी झोपड़ी से निकल करके पहुंचता था जी। अब नोट के बोरा से नेता निकल करके आ रहा है, ना उसे गरीबों का दर्द मालूम है। आम आदमी से राजनीति बहुत दूर हो गई है जी। आज चाहे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, गरीब आदमी लड़ ही नहीं सकता। उसकी भूमिका एक सिर्फ वोटर तक सीमित हो गई है। बड़े लोग लड़ सकते हैं। जिस लोकसभा विधानसभा से देश की समस्याओं के समाधान की लोग उम्मीद करते थे, वहां पर क्रिकेटर बैठे हुए हैं जी, फिल्मी दुनिया के स्टार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको विविधताओं से भरे हुए इस विशाल देश में आम व्यक्ति की झोपड़ी में रहने वाले और किसान और मजदूर और गरीब बेरोजगार की क्या समस्या है उसकी उनको समझ हो सकती है जी। और राजनीति में अनुभव की बड़ी जरूरत होती है। तो कष्ट मुझे इस बात का है कि अब राजनीति लोग शेयर बाजार हो गई है, व्यापार के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो पूरे राजनीतिक जीवन में किसी व्यापारी से चंदा नहीं मांगा। आप ढूंढ करके लाइए, कोई बता दे। कोशिश मैंने की कि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से ये साबित करके भी दिखाऊं, और मैंने कभी कुछ पाने के लिए किसी की चमचागिरी नहीं की जी। और मेरे जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अपना पदभार संभाला तो उससे पहले किस तरह की तस्वीर थी आपकी विधानसभा की, और उसके बाद किस तरह की तस्वीर देखने को मिली? मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप तो स्वयं देखते हैं। आज लोकसभा विधानसभा पर देश की जो ज्वलंत समस्या है उन पर चर्चा ही नहीं होती जी। कोई महंगाई पर बात नहीं करना चाहता, कोई बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहता, कोई भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर सकता, कोई गांव से जो मजदूर और गरीब पलायन कर रहा है उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। आर्थिक नीतियां इस तरह की हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब सिकुड़ करके और गरीब होता जा रहा है जी। और राजनीति जो बड़ा गंभीर सेवा और चिंतन और विश्वास का विषय था उसमें झूठ बोलने वाले लोग घुस गए। मैं एक चुनाव 80 वोट से हार गया था, पर मैंने झूठा वादा नहीं किया लोगों से कि आप मुझे वोट दो, मैं बनरोज और बन गऊ गऊ पकड़वा लूंगा जी।
मैंने कहा भैया हो सके तो इतने लोग लड़ रहे हैं, इनमें एक मैं भी हूँ, मेरे नाम पर भी विचार करिए, पर अभी तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जी तो और इस वो बार, चुनाव में 80 वोट से हार गया था। जी तो इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं, कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जी तो कुंवर जी अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं तो इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे, आपकी विधानसभा में किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों को लेके, किन परेशानियों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे और आगे बढ़ेंगे? हमारे यहाँ तो समस्याएं ही समस्याएं। आप देखिए पहले 21 विधायक होते थे बुंदेलखंड में, जी नया परसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ, अब 19 ही रह गए। जी जब 21 विधायक मिलकर के इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सके, हमारे लोगों को उनका हक अधिकार विकास सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सके, जी तो 19 क्या करेंगे। जी और हमारे पास खनिज है, हमारे पास वन है, हमारे पास जल है, हमारे पास दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है, हीरा हमारे यहाँ निकलता है, गिट्टी बालू जो पूरा पूर्वांचल से लेके गोरखपुर तक सप्लाई हो रही है वो हम बुंदेलखंडी दे रहे हैं, हमारे यहाँ ललितपुर में बाहर में चंदन के जंगल है, हमारे पास चित्रकूट जैसा तीर्थ स्थान है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा कालिंजर का किला है, ओरछा के रामलला है, चंदेरी जहाँ पूरा भारत का मध्ययुग का इतिहास सोया पड़ा है, खजराहा जैसा विश्व का जाना माना पर्यटक स्थल है, इसके बाद भी आप देखिए लोग यहाँ भूख से आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी के कारण लोग पलायन करके भाग रहे हैं, जहाँ सारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रही है, वहाँ हमारे यहाँ आप देख लीजिए कई गांव की जनसंख्या घट रही है। मैं बड़ी बात नहीं करता, चरखारी तहसील है और नगर पालिका है, 1947 में उसकी जनसंख्या कितनी थी और 2021 में कितनी, आप मिलान करके देख लो, इन 75 सालों में वहाँ जनसंख्या घटी है। तो हमको आजादी के बाद जो हक मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर नहीं मिली। उसके लिए बहुत हद तक हमारे नेता दोषी हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। जी लेकिन कहा तो ये जाता है कि हर एक इंसान के लिए काम किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, फिर कहाँ कमी रह जा रही है? अब केवल कागज पर घोषणाएं होती हैं। जी काम कहाँ दिखता है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बुंदेलखंड में होता है, यूपी में जो भी अधिकारी लापरवाह या उद्दंड होता है तो कहते हैं इसको बुंदेलखंड भेज दो। जी अब बुंदेलखंड आने के बाद में उसकी तकदीर के और सितारे और बुलंद हो जाते हैं, सीधा साधा इलाका है। जी ना कोई विरोध करता है ना कोई संघर्ष करता है, तो यहाँ पर जो स्थिति है उसके लिए तो मैं मानता हूँ सबसे पहले हम लोग दोषी हैं। जी अगर राजनीतिक क्षेत्र में विकास ना लेने वाले, पैसा कमीशन में ना लेने वाले विधायक आ जाए, जाति की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, भाई ये पंडा पुजारियों का मठों का काम है। जी हम जनप्रतिनिधि रहे, हम लोगों का काम है चमचमाती सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार को रोकना, महंगाई को रोकना, और आपने लोगों के सुख दुख में उनके बीच में रहना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जानने की कोशिश करना कि बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और मैं जब विधायक रहा तो आप जानकारी कर लीजिए, मैं साल में 2 बार दरवाजे दरवाजे जाता था। जी और अपनी विधानसभा की 40-50% लोगों को मैं नाम लेके बुला सकता हूँ। जी तो इतना सब करने के बाद भी आखिर आपको जनता का समर्थन क्यों नहीं मिला, आखिर कहाँ कमी रह गई, क्या झूठे वादों के ऊपर जनता ने ज्यादा भरोसा किया? नहीं नहीं हम ये नहीं मानते हैं, मैं अपना दूसरे ढंग से देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, समर्थन मेरा अगर न ठीक होता जी तो मैं 4 बार विधानसभा में कैसे पहुँच जाता। जी तो मुझसे भी काबिल लोग चुनाव लड़ने आए थे, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग चुनाव लड़ने आए थे, हमसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग चुनाव लड़ने आए थे। जी और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी जो पिछली विधानसभा थी उसमें एक विकास खंड जो मुस्करा होता था उसमें गिनती के 3-4 गांव थे जिनमें हमारी जाति के वोटर थे, बाकी पूरे विकास खंड में हमारी जाति का एक मतदाता नहीं रहता था। जी और आज के जमाने में जहाँ लोग जाति के नाम पर अपनी बैतरणी पार कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए बार बार वो लोग मुझे कैसे समर्थन देते थे, तो मैं लोगों के दिल में था और उन लोगों की कृपा थी कि वो मुझे बार बार मौका देते रहे। जी और मैं आज भी कोई आज भी मैं कोई व्यापार नहीं करता, आपको बता दूं। जी कुंवर जी मेरा स्पष्ट मानना है कि जी जी
जी, और जिस तरह से आपने अच्छे काम भी किए, जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो आपने जब अपना पद छोड़ा उसके बाद क्या वो विकास आगे बढ़ा नहीं? इस वक्त की मौजूदा स्थिति हम जानना चाहेंगे कि सड़कों के हाल कैसे हैं, अस्पताल कैसे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ कहाँ काम रुका हुआ है? देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि चुनाव के बाद या चुनाव के पहले आप बुंदेलखंड का जो अति पिछड़ा क्षेत्र उसमें आकर के देखें। जी। और मैं एक बात और कहूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, इस देश की राजनीति में तीन फैक्टर काम करते हैं, जी, अर्थ, वर्थ और व्यर्थ। तो अगर मान लीजिए आप किसी बड़े नेता की औलाद हैं तो अपने आप महान नेता बन जाओगे, उसमें देर नहीं लगेगी, चाहे आप में योग्यता हो या ना हो, जी, लोग धक्का मार के बना देंगे। या किसी बड़े उद्योगपति के परिवार में पैदा हुए हैं तो जन्म से ही आप आदरणीय और वंदनीय बन गए, जी। ये तो अर्थ वर्थ हुआ। तीसरा फैक्टर व्यर्थ का है, जिसमें हम लोग आते हैं, गांव के लोग, जी, 18 घंटे हम लोग काम करेंगे, अपने पसीने से, खेती से लेकर के हर जगह राष्ट्र के निर्माण में हम लोग योगदान देंगे, जी। इसके बाद भी कभी नहीं कोई दिखता, आप कभी आइए मध्य प्रदेश में मेरा आश्रम है, उसमें 250 जड़ी बूटियां मैंने लगा रखी, सभी भारतीय पुष्प लगा रखे हैं, सभी फलदार पेड़ लगा रखे हैं, जी। एक पॉलीथिन नहीं मिलेगा, एक मच्छर नहीं मिलेगा, एक मक्खी नहीं मिलेगी, ध्वनि प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, जी। उस क्षेत्र में हम लोग जंगल नहीं काटने देते, वहाँ शिकार नहीं करने देते, जी। कुंवर जी, अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे महिला सुरक्षा कितनी देखने को मिलती है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इस वक्त? देखिए, हमारे बुंदेलखंड में महिलाएं पहले से बहुत आगे रही हैं, जी। रानी दुर्गावती भी हमारे यहाँ की थी, महारानी लक्ष्मीबाई भी हमारे यहाँ की थी, झलकारी कोरेन भी हमारे यहाँ की थी, जी। आज भी हमें इस बात पर गर्व है कि अगर हम किसान लोग खेत में 6 घंटे काम करते हैं तो हमारी घर की जो बहन है, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जी, वो 7 घंटे काम करती हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, क्या वो सुरक्षित महसूस करती है? जो प्रशासन है वो कैसे काम कर रहा है? देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बनेगा, बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो हमारा गैर राजनीतिक संगठन इंसाफ सेना, वो नारा देता है खुशहाली का संदेश, बुंदेलखंड प्रदेश। आप देखो, महोबा जिला बन गया, जी। उसकी पूरी तकदीर और तस्वीर बदल गई। सरीला बहुत छोटी जगह थी, वो तहसील बन गई। जिसने 10 साल पहले सरीला देखा, वो आज देखे वो बदला बदला दिखाई दे रहा है। हमें रोजगार के अवसर सृजित करने पड़ेंगे, जी। खेती को अच्छे ढंग से खड़ा करना पड़ेगा, गांव के लोग गांव में ही रोजगार और सम्मान पाए, शहरों की तरफ ना जाए, जी। इसके लिए प्रयास कौन करेगा? नेता नेता बालू की खदान ढूंढ रहा है, नेता विधायक निधि में कमीशन ले रहा है, नेता थाने और कोटेदारों से पैसा ले रहा है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिलता है? आखिर सरकार जब ये दावा और वादा करती है कि हम हर क्षेत्र का, हर गांव गांव का विकास कर रहे हैं, तो फिर आपकी विधानसभा और बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ पे ऐसी दुर्दशा क्यों है? मानिकपुर के पास आप चले जाइए, देख लीजिए कितना विकास हुआ। मैं ही जब पहली बार विधायक बन के आया था, जी, तो मौदहा विधानसभा के 17 नदियों में पुल ही नहीं था, और कम से कम 90% गांव में बिजली नहीं थी। तो बदलाव के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अगर आप इस बार जनप्रतिनिधि के तौर पे चुन के आते हैं तो आपके क्या कुछ काम रहेंगे? मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में आप चले जाइए, किसी जाति, किसी धर्म के किसी व्यक्ति से पूछ लो आप, जी, हमने केवल विकास भर नहीं किया है, जी, हर व्यक्ति को अपने दिल में बैठाल करके रखा है। हमारे यहाँ जो रोता हुआ आया है, हंसता हुआ गया, और उसका मुझे एक लाभ तो प्रत्यक्ष मिला ही है कि मैं 100% निरोग हूँ, जी। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी की भावनाओं के साथ मैं नहीं खेला, मुझे किसी की बददुआ नहीं लगी, जी। मेरी पीढ़ी के तमाम लोग, मैं भी 15 अगस्त 1962 में पैदा हुआ हूँ, और हमारे साथ के तमाम नेता बीमारियों से ग्रस्त हो गए, जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ भी व्यक्ति रहे, बिल्कुल साफ मन से रहे, सच्चे मन से रहे, एक कार्यकर्ता, मैं नेता बन के मैंने कभी काम ही नहीं किया, जी, बिल्कुल। तो आज जैसे नया साल भी है, आज से शुरू हुआ है, और 2022 में चुनाव भी है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अपने लोगों से यही सबसे कहना चाहते हैं, बुंदेलखंड वालों से, कि जब भैया बाजार लगी हो तो घोड़ा ही खरीद के लाओ, गधा खरीद करके मत लाओ, जी, क्योंकि घोड़ा घोड़े की परफॉर्मेंस देगा और गधा गधे की परफॉर्मेंस देगा,
और मकान बनाते सके उस समय अगर मकान की बुनियाद टेढ़ी हो गई तो ऊपर कितना भी अच्छा कारीगर उस मकान का निर्माण कर रहा हो भवन टेढ़ा चला जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है जी। अगर राजनीति में सुधार होगा और अच्छे लोग आएंगे और राजनीति में जो धन पशु आ गए हैं जो व्यवसायी आ गए हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि जनता आपको नकारे इसके पहले आप व्यापार करिए और अगर आपको समाज सेवा करना है तो व्यापार बंद कर दीजिए जी। बिल्कुल। ये दोनों का जो घालमेल है किसी एक का अस्तित्व तो समाप्त करता है जी। व्यापारी लोग क्षेत्र में समय नहीं दे पाते। अब मैं आज भी आप जानकारी कर लो मैं कोई व्यापार नहीं करता ना छोटा ना बड़ा जी। खेती भी मेरे लोग करते रहते मुझसे। मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लोगों की सेवा में रहता हूँ और हंसते हुए कहता हूँ कि मैंने जिन 100 लोगों के काम किए उनमें 70 मुझसे खुश हैं 30 नाराज हैं। भैया आपने तो किसी का काम नहीं किया तो कब तक लहर और हवा और आंधी आपको छत पर रखेगी टिका के खड़ा होकर के बाद में तो जमीन पकड़ ही जाओगे। जी बिल्कुल। मैं तो अपने बुंदेलखंड के लोगों से मैं मुझे केवल बुंदेलखंड से मतलब रहता मैं छोटा आदमी हूँ मैं प्रदेश और राष्ट्र की बात नहीं करूंगा जी। केवल एक ही मैं निवेदन एक प्रार्थना करूंगा कि अच्छे चरित्रवान और समय देने वाले अहंकार से हीन जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। जी बिल्कुल। आशा करते हैं कि जिस तरह का आपका कार्यकाल रहा है जनता उसी को देखे समझे और सही चयन करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ हमीरपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह जी जुड़े थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से उनका क्षेत्र इस वक्त चुनौतियों का सामना कर रहा है और किस तरह का हाल है। फिलहाल प्राइम चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।